नमस्कार, मैं उमापाल। आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। 2 नवंबर को स्टेट हाईवे सैपो खेरागढ़ मार्ग पर आवागमन रहेगा बंद। वसई नवाब कस्बे में पेयजल लाइन बिछाने के कार्य को लेकर 2 नवंबर को स्टेट हाईवे सैपो खेरागढ़ मार्ग पर आवागमन बंद रहेगा। जलदाय विभाग के JEN विजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत जलदाय विभाग की ओर से पेयजल लाइन बिछाने का कार्य शुरू कर दिया है। वसई नवाब कस्बे के मुख्य मार्ग में पाइपलाइन बिछाने के चलते खेरागढ़ सैपो का मुख्य मार्ग 2 नवंबर के साय 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आवागमन पूरी तरह बंद रहेगा। दिन भर लोगों के आवागमन को लेकर लोगों की असुविधा को देखते हुए निर्माण कार्य रात्रि के समय किया जाएगा। जलदाय विभाग के अधिकारियों की ओर से नियत समय पर कार्य को पूरा करते हुए लोगों को शीघ्र आवागमन को बहाल किया जाएगा। धौलपुर शहर में पेयजल आपूर्ति आंशिक रूप से रहेगी बाधित। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग धौलपुर के सहायक अभियंता अमित शर्मा ने बताया कि चंबल नदी इंटेक वेल पर मोटर पंप सेट में मरम्मत कार्य करवाया जा रहा है, जिसके कारण 1 नवंबर मंगलवार को धौलपुर शहर में पेयजल की आपूर्ति आंशिक रूप से बाधित रहेगी। अस्पताल में पर्चा काउंटरों पर भारी भीड़ लगने से मरीज व अटेंडर परेशान। बड़ी शहर के सामान्य चिकित्सालय में दीपावली के त्योहार के खत्म होते ही आज सोमवार को जब अस्पताल खुला तो मरीजों की भीड़ बढ़ गई। अचानक मरीज और अटेंडरों के काफी संख्या में पहुंचने के चलते अस्पताल में पर्चा काउंटरों दवा काउंटर पर सबसे अधिक भीड़ देखने को मिली। काउंटरों पर अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे परिजन और उनके अटेंडरों ने बताया कि करीब 1 घंटे के बाद भी पर्चा कटने का नंबर नहीं आ रहा। ऐसे में मरीज परेशान हैं और उन्होंने अस्पताल प्रशासन से वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की है। अस्पताल में मरीज को लेकर आए सुनकई गांव निवासी रामहरि, कुहावनी के विजेंद्र कुमार, रामलखन, नितेश आदि ने बताया कि वे खुद को या मरीज को दिखाने आए हैं, लेकिन सबसे पहली आवश्यकता पर्चा काउंटर पर नहीं मिल रहा है। अपार भीड़ की स्थिति में यह 1 घंटे बाद भी नंबर नहीं आ रहा है। यदि जल्दी पर्चा नहीं कटा तो उधर डॉक्टरों की सीट छोड़ने का समय हो जाएगा। इसको लेकर मरीज और उनके अटेंडरों ने हॉस्पिटल प्रशासन से वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की है। वहीं अस्पताल में अचानक बड़े मरीजों के लोड से सारी व्यवस्थाएं चौपट नजर आ रही हैं। मौसमी बीमारियों के चलते बड़े रोगी जल्द होगी स्थिति कंट्रोल। अस्पताल के PMO डॉक्टर हरि किशन मंगल ने बताया कि अस्पताल में सामान्यतः 1000 के करीब मरीजों का OPD रहता है, लेकिन दीपावली त्योहार के बाद जब सोमवार को आज अस्पताल खुला है तो मरीजों की संख्या लगभग 1400 से अधिक नजर आ रही है। ऐसे में लोड बढ़ने से पर्चा काउंटर और दवा काउंटर पर भीड़ देखने को मिल रही है। ज़्यादातर मरीज मौसमी बीमारियों से पीड़ित है, जिनमें सर्दी, जुकाम, खांसी और उल्टी दस्त के रोगी शामिल हैं। इतनी भीड़ हो रही है तो 3 घंटे में तो पर्चा ही नहीं कट रहा है। एक घंटा तो हमें हो गया, कल तो 2 घंटे तक तो हम भीड़ लंबर ही नहीं आ रहा है। अच्छा, नहीं भीड़ हो जाए जो डॉक्टर उठ जाते हैं छुट्टी हो जाएगी उन्हीं टाइम पर पर्चा कटने के बाद। और क्या, तो 3 घंटे से बैठ जाएंगे तो 3 घंटे बाद छुट्टी। क्या नाम है आपका? रिंकू। शेरगढ़ किले वाले हनुमान जी मंदिर पर मंगलवार को होगी महा आरती। धौलपुर शहर के नजदीक चंबल के बीहड़ों में स्थित ऐतिहासिक शेरगढ़ किले के प्राचीन मुख्य हनुमान जी मंदिर पर कल मंगलवार को शाम 5 बजे महा आरती का आयोजन किया जाएगा। हनुमान जी के पुजारी दीपक अवस्थी ने बताया कि मंगलवार को दोपहर 1 बजे से संगीतमय सुंदरकांड का पाठ होगा। इसके पूरे होने के बाद शाम 5 बजे महा आरती का आयोजन किया जाएगा।
महाआरती के बाद भंडारे का आयोजन किया जाएगा। पुजारी ने भक्त गणों से अपील की है कि परिवार सहित महाआरती में शामिल हो और भंडारे का आनंद उठाएं। जय श्री राम, जय हनुमान। कल मंगलवार को सिरगढ़ के किले वाले प्राचीन मुख्य हनुमान जी मंदिर पर दिन के 1 बजे से संगीत में सुंदरकांड का पाठ होगा व शाम 5 बजे महाआरती होगी। आरती के बाद अन्नकूट के भंडारे का आयोजन होगा। सभी भक्तों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या पहुंचकर पुण्य लाभ उठावें। अब धौलपुर से देश के प्रमुख शहरों के लिए करिए एसी और नॉन एसी लग्जरी बसों से आरामदायक व सस्ती यात्रा, साथ ही गारंटी से पाइए प्रत्येक बुकिंग पर उपहार फ्री। धौलपुर से करौली, गंगापुर, हिंडौन, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, बीकानेर, अहमदाबाद, सूरत, महासाणा, राजकोट, मोरबी, बनारस, इंदौर, झांसी, छतरपुर, पन्ना, दिल्ली, हरिद्वार, हैदराबाद, नागपुर आदि देश के प्रमुख शहरों के लिए बस सुविधा उपलब्ध। बुकिंग के लिए संपर्क करें बस जंक्शन टूर एंड ट्रेवल्स, दुकान नंबर 2, गुलाब बाग, धौलपुर। फोन पर बुकिंग और लगेज पार्सल की भी सुविधा उपलब्ध। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आधार कार्ड लाओ, मोबाइल ले जाओ और पैसा बाद में आसान किस्तों में चुकाओ। साथ में दीपावली के अवसर पर प्रत्येक मोबाइल की खरीद पर गिफ्ट पाओ। पूरे धौलपुर जिले में मोबाइल फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। हमारे यहाँ सैमसंग, वन प्लस, वीवो, ओप्पो, रियलमी आदि सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर मिलते हैं। फोल्डर, टच डिस्प्ले सहित मोबाइल की रिपेयरिंग का पूरा कार्य ग्वालियर की रेट पर किया जाता है। एक बार जरूर पधारें श्री अग्रसेन मोबाइल पॉइंट, मंडी के गेट के बगल में बस स्टैंड धौलपुर। प्रोपराइटर विष्णु मित्तल। राजाखेड़ा विधायक ने किया सामुदायिक भवन का उद्घाटन। राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने सोमवार को राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के विरौंदा गांव में जाटव बस्ती पहुंचकर सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया। राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा विरौंदा गांव पहुंचे, जहां उनका ग्रामीणों की ओर से माला व साफा पहनाकर नागरिक अभिनंदन किया गया, जिसके बाद विधायक रोहित बोहरा ने सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मैं राजाखेड़ा के सर्व समाज की जनता के लिए सदैव समर्पित हूँ और क्षेत्र में विकास कार्य करना मेरी पहली प्राथमिकता है। डीएसटी टीम व सरमथरा थाना पुलिस ने 2 सटोरियों को दबोचा। डीएसटी टीम धौलपुर व सरमथरा थाना पुलिस ने सट्टे की खाई वाली करने वालों के खिलाफ संयुक्त कार्यवाही की है। कार्यवाही में सट्टे की खाई वाली करते 2 व्यक्तियों को सट्टा उपकरण व सट्टा राशि के साथ गिरफ्तार किया है। सरमथरा थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि थाना की टीम द्वारा सट्टे की खाई वाली करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए डीएसटी धौलपुर की विशेष सूचना पर सत्ती का चौक कस्बा सरमथरा से आरोपी राशिद पुत्र लोटन मुसलमान उम्र 40 साल निवासी सहानीपाड़ा सरमथरा व अमित पुत्र पप्पू धाकड़ उम्र 26 साल निवासी भराईपाड़ा कस्बा सरमथरा को सट्टे की खाई वाली करते हुए गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से 1,21,240 रुपए सट्टा राशि व सट्टा उपकरण बरामद किए गए हैं। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर अनुसंधान जारी है। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला धौलपुर द्वारा अवैध जुआ और सट्टे की धरपकड़ अभियान के दौरान कल दिनांक 30/10/2022 को डीएसटी टीम धौलपुर और थाना सरमथरा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए डीएसटी टीम के कमांडो अविनेश बेल्ट नंबर 102 डीएसटी धौलपुर की सूचना पर थाना सरमथरा में एक अवैध सट्टे की खाई वाली करते हुए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिनमें मुलजिम राशिद सन ऑफ लोटन जाति मुसलमान उम्र 40 साल निवासी सहनीपाड़ा थाना सरमथरा एवं दूसरा मुलजिम अमित सन ऑफ पप्पू जाति ढाकड़ उम्र 23 साल निवासी सहनीपाड़ा सरमथरा के कब्जे से कुल 1,21,240 रुपए जुआ रकम सट्टा की रकम प्राप्त की और जिसको जब्त कर थाने पर मुकदमा दर्ज किया गया। दोनों मुलजिमों से अनुसंधान जारी है।
मियां का पूरा गांव में हुई चार लोगों की हत्या के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, 4 साल से चल रहा था फरार। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र के गांव मियां का पूरा उर्फ भील गवां में 27 सितंबर 2018 को आपसी विवाद में हुई चार लोगों की हत्या के मामले में सदर थाना पुलिस ने थाना प्रभारी हनुमान सहाय के नेतृत्व में कार्यवाही करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि हत्याकांड में 4 हत्याओं का आरोपी हरिओम पुत्र फूल सिंह कुशवाहा उम्र 44 साल निवासी गांव भीलगवां धौलपुर 4 साल से फरार चल रहा था, जिसे गिरफ्तार किया गया है। एसपी ने बताया कि झगड़े में घायल होने से जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती हुई लक्ष्मी कुशवाहा पत्नी पातिराम उम्र 35 साल निवासी भीलगवां गांव ने पर्चा बयान में बताया था कि पुरानी रंजिश को लेकर कल्ला लक्ष्मण बलवीर राजेश उत्तम ममता धारा राकेश विक्रम वीरेंद्र विशु हरिओम हाथों में लाठी डंडा सरिया कट्टे कुल्हाड़ी लेकर हमारे घर आए और हमारे ऊपर हमला कर दिया। इनके साथ रामकली जसोदा ममता भी हाथों में लाठी और डंडा लेकर आई थी, जिन्होंने मेरे साथ व मेरे पति पातिराम बेटा गजेंद्र सास इंद्रदेई ससुर अमर सिंह देवरानी मीना फुफिया ससुर राम स्वरूप जेठ मोहन सिंह देवरानी अनीता के साथ बुरी तरह मारपीट की, जिसमें पातिराम दीपू अमर सिंह राम स्वरूप की मृत्यु हो गई। पुलिस ने इस मामले में पर्चा बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज किया था। 467 परिवारों को मिला आवास की पहली किस्त का प्रमाण पत्र। शहरी विकास मंत्री शांति धारीवाल ने वर्चुअल माध्यम से लिया कार्यक्रम में हिस्सा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब व असहाय लोगों को आवास उपलब्ध कराए जाने को लेकर आज राजाखेड़ा शहरी क्षेत्र में 467 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहली वित्तीय किस्त का प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शहरी विकास मंत्री शांति धारीवाल वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर धौलपुर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल रहे एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा द्वारा की गई। कार्यक्रम का आयोजन पंचायत समिति प्रांगण में हुआ, जहां नगर के 467 परिवारों को राजस्थान के शहरी विकास मंत्री के द्वारा वर्चुअल माध्यम से पहली किस्त 30,000 रुपए के प्रमाण पत्र वितरित किए गए। वहीं क्षेत्र के गरीब व असहाय वर्ग के लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है, जिसके कारण गरीब को अपना घर मिल सके व अपनी छत का मालिक बन सके। वहीं कार्यक्रम में विधायक रोहित बोहरा ने लोगों को प्रमाण पत्र वितरित किए, जिसके बाद पंचायत समिति सभागार में जन सुनवाई आयोजित की गई, जिसमें विधायक बोहरा ने आमजन की समस्याओं को सुन उनका त्वरित निस्तारण किया एवं संबंधित अधिकारियों को निराकरण के आदेश जारी किए। इस दौरान राजाखेड़ा SDM देवी सिंह, नगरपालिका चेयरमैन वीरेंद्र सिंह जादौन, प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर, नगरपालिका EO रतन सिंह, विकास अधिकारी राकेश सिंगल, थाना अधिकारी सोहन सिंह, राजेश सिकरवार सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। खेड़ा नगर पालिका में 467 PM आवास योजना के फाइनेंशियल स्वीकृति दी है। 30,000 रुपये की प्रथम किस्त सभी के 467 लोगों के अकाउंटों में आ गई है। ये एक मील का पत्थर साबित होगी राजाखेड़ा के लिए। अभी तक हम करीब करीब हमारी इच्छा है 840 जनों को ये आवास देने की, PM आवास देने की, और आज हमने मंत्री जी से 500 की और हमने डिमांड कर ली। तो मुझे उम्मीद है कि हम करीब करीब 1340 PM आवास योजना के पट्टे हम राजाखेड़ा की जनता के बीच में बांट सकेंगे। यहाँ की जो निर्धन परिवार के लोग हैं उनको हम प्रायोरिटी दे रहे हैं, मैक्सिमम लोगों को उन्हीं को ये पट्टे दिए जा रहे हैं, जिससे वो अपना एक पक्का आशियाना बना लें। इसी के साथ
आज हमने पूरी है तैयारियां, कर ले राहों से आरियां, अब है स्मार्ट लोगों की स्मार्ट चॉइस एमओ इलेक्ट्रिक बाइक्स। खुशखबरी, अब धौलपुर में ही मिलेगी एक बार चार्ज करने पर 100 से 120 किलोमीटर तक चलने वाली एएमओ इलेक्ट्रिक स्कूटी। साथ में सरकार से पाए 9000 रुपए की सब्सिडी। शुरुआती कीमत 74,460 रुपए, 3 साल की वारंटी। दीपावली ऑफर में प्रत्येक खरीद पर चांदी का सिक्का फ्री। फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। टेस्ट ड्राइव के लिए एक बार जरूर पधारें सिद्धि विनायक मोटर्स, मचकुंड मोड़ के पास, बाड़ी रोड, धौलपुर। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। LG व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजा खेड़ा बाईपास, कालीमाई रोड, उम्मेदी नगर, कॉलोनी, धौलपुर। शिवहरी समाज के कार्यक्रम में वरिष्ठ जन एवं प्रतिभाओं को किया सम्मानित। भगवान राज राजेश्वर जी के जन्मोत्सव पर आज सोमवार को शिवहरी कला समाज जिला धौलपुर द्वारा बाड़ी में कार्यक्रम किया गया, जिसमें भगवान सहस्त्र बाहु के समक्ष दीप प्रज्वलित कर आरती की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आगरा से आए दीप चंद्र शिवहरे एवं विशिष्ट अतिथि गोपाल शिवहरे ग्वालियर वाले रहे। संरक्षक भगवान स्वरूप शिवहरे, मिठललाल शिवहरे व अध्यक्ष रवि शिवहरे एवं महिला अध्यक्ष पायल शिवहरे द्वारा भगवान के समक्ष दीप प्रज्वलित कर आरती की गई। साथ ही समाज के वरिष्ठ जनों एवं उभरती हुई प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिवहरे कलाल समाज के अध्यक्ष रवि शिवहरे ने कहा कि धर्मशाला के लिए जो भूखंड है उसके शिलान्यास की जल्द ही शुरुआत की जाएगी और उसे धर्मशाला का रूप दिया जाएगा। कार्यक्रम के शुभ अवसर पर समाज के भामाशाह द्वारा भूमि निर्माण के लिए सहयोग राशि की घोषणा की गई। वीरांगना अवंतीबाई लोधी विकास बोर्ड के गठन को लेकर विधायक को सौंपा ज्ञापन। लोधी क्षत्रिय एम्प्लाइजेस एसोसिएशन लक्ष्य के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश लोधा एवं लोधा क्षत्रिय समाज धौलपुर के जिला अध्यक्ष प्रेम सिंह लोधा के नेतृत्व में धौलपुर विधायक शोभारानी कुशवाहा को राजस्थान राज्य वीरांगना अवंतीबाई लोधी विकास बोर्ड गठित करने के लिए अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश लोधा ने ज्ञापन में बताया है कि जिस प्रकार अन्य समाजों के लिए गठित किए गए बोर्डों की तरह ही राजस्थान राज्य अवंतीबाई लोधी विकास बोर्ड के गठन का मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार से अनुरोध किया गया है। राजस्थान राज्य में पिछड़ी श्रमिक विकास की मूलधारा से विक्षिप्त समाजों जैसे लोधा, लोधी, लोध, निषाद, केवट, बिंद, कश्यप समाजों जिनकी राजस्थान में जनसंख्या लगभग 1 करोड़ है, जिसका वोट के रूप में जननायक की सरकार को फायदा मिलेगा। इन समाजों के उत्थान और विकास के लिए अन्य समाजों के लिए गठित किए गए बोर्डों की तरह ही राजस्थान राज्य वीरांगना अवंतीबाई लोधी विकास बोर्ड का गठन किया जाए। ज्ञापन देने वालों में उप प्रधान राजा खेड़ा डॉक्टर भरत सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष लोधा समाज राजस्थान, ओम प्रकाश लोधा जिला अध्यक्ष लक्ष्य, गंगाराम निषाद सरपंच, रतन सिंह लोधा लक्ष्य उपाध्यक्ष, कैलाशी लोधा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कमल सिंह जिला महामंत्री, रंजीत ठेकेदार कोषाध्यक्ष, डॉक्टर लक्ष्मण सिंह, राधेश्याम युवा जिला अध्यक्ष, सुखराम बसंत लोधा प्रदेश संगठन मंत्री, मुन्ना लाल दंगल सिंह, राजेश सुरेश संजय, शैलेंद्र कुमार, राम सिंह सेहोलिया, राजेंद्र सिंह मोती लाल सहित कई समाज बंधु उपस्थित रहे। ग्रामीणों ने राशन डीलर पर पूरा राशन नहीं देने का लगाया आरोप। SDM को सौंपा ज्ञापन।
सरमथरा उपखंड के गांव कौनेसा के ग्रामीणों ने सोमवार को राशन डीलर से परेशान होकर उपखंड कार्यालय पहुंचकर सरमथरा एसडीएम मनीष कुमार जाटव को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि हम सभी खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन प्राप्त करते हैं। डीलर विशाल के द्वारा दुकान संख्या 303 से पूरी मात्रा में राशन नहीं दिया जाता है। किसी को 10 किलो कम तो किसी को 20 किलो कम गेहूं दिया जाता है। जब कम राशन को लेकर ग्रामीणों ने डीलर से पूछा तो डीलर कहता है कि ऊपर से ही राशन कम आया है। ग्रामीणों ने बताया कि राशन डीलर द्वारा गरीब लोगों को कम मात्रा में गेहूं दिए जा रहे हैं, जिससे उनके घरों में खाने के लिए अनाज की समस्या पैदा हो गई है। ग्रामीणों ने डीलर पर बिना ओटीपी एवं बिना रसीद दिए राशन वितरण करने के भी आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने एसडीएम से डीलर के विरुद्ध उचित कार्यवाही करते हुए पूरा राशन दिलवाए जाने की मांग की है। इस दौरान वीरपाल, रामपतिक, नरेश, कैलासी, मुकेश, बीना, मुन्नी, रामविलास, प्रताप, हरिचरण, हेमराज, रतिराम, हल्की सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। डीएसटी टीम व सरमथरा थाना पुलिस ने दो सटोरियों को दबोचा। डीएसटी टीम धौलपुर व सरमथरा थाना पुलिस ने सट्टे की खाईवाली करने वालों के खिलाफ संयुक्त कार्यवाही की है। कार्यवाही में सट्टे की खाईवाली करते दो व्यक्तियों को सट्टा उपकरण व सट्टा राशि के साथ गिरफ्तार किया है। सरमथरा थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि थाना की टीम द्वारा सट्टे की खाईवाली करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए डीएसटी धौलपुर की विशेष सूचना पर सत्ती का चौक कस्बा सरमथरा से आरोपी राशिद पुत्र लोटन मुसलमान उम्र 40 साल निवासी सहानीपाड़ा सरमथरा व अमित पुत्र पप्पू धाकड़ उम्र 26 साल निवासी भराईपाड़ा कस्बा सरमथरा को सट्टे की खाई वाली करते हुए गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से 1,21,240 रुपए सट्टा राशि व सट्टा उपकरण बरामद किए गए हैं। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर अनुसंधान जारी है। 11वां प्रतिभावान छात्र छात्रा सम्मान समारोह हुआ आयोजित। अखिल भारतीय धनगर गाडरी पाल भगेल गडरिया महासभा धौलपुर के तत्वाधान में 11वां विशाल प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह एसके गार्डन मैरिज होम जीटी रोड धौलपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राकेश भगेल पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष आगरा रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सुरेश चंद्र भगेल द्वारा की गई। अति विशिष्ट अतिथि के रूप में जेपी धनगर राष्ट्रीय अध्यक्ष धनगर महासभा महाराज सिंह भगेल रिटायर्ड तहसीलदार हाकिम सिंह सरपंच मुरैना नरेंद्र हिंदवाल आगरा माता प्रसाद सरपंच मौजूद रहे। मुख्य अतिथि ने सर्वप्रथम लोक माता देवी अहिल्या बाई के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि ने कहा कि सभी समाज बंधु अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाकर आगे बढ़ाएं एवं समाज की व्याप्त कुरूतियों को दूर कर समाज को संगठित रहने पर बल दिया। जेपी धनगर ने समाज में भाईचारा बढ़ाने व समाज को नई दिशा देने के लिए प्रेरित किया। जिला अध्यक्ष सुरेश चंद्र भगेल ने मंच पर आसीन सभी अतिथि गणों का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में सरकारी सेवा 40 चयनित अभ्यर्थी एवं 10वीं एवं 12वीं उत्कृष्ट खिलाड़ी स्नातक एवं अन्य सभी परीक्षाओं में अव्वल रहे 200 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर धौलपुर के युवाओं द्वारा सर्व सहमति से सुरेश भगेल लटूरी को युवा जिला अध्यक्ष घोषित किया। इस अवसर पर रामविलास, विजय सिंह, केदार सिंह, हरप्रसाद, राजेंद्र भगेल, डॉक्टर सुनील भगेल, राजीव भगेल, संजीव भगेल, धर्मेंद्र भगेल, भुप्पी, मनोज भगेल, संजय भगेल, रवि भगेल, कोमल भगेल, मनमोहन, रमेश भगेल, हरिओम, रानू भगेल, रिंकू भगेल, कमल सिंह भगेल, दीनदयाल भगेल, राजेंद्र भगेल, जगदीश भगेल, पुष्पेंद्र भगेल, पत्रकार सत्येंद्र भगेल, इंद्रावली सहित महिला एवं समाज बंधु उपस्थित रहे। धौलपुर में खुला जिले का सबसे बड़ा फर्नीचर शोरूम, जहां मिलती है घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज।
दीपावली के अवसर पर महाछूट ऑफर, डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार के ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, शादी विवाह के लिए अच्छा सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर, कोरफोम व स्लिप बेल कंपनी के अधिकृत विक्रेता, घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें AU फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, वाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल। आपके शहर की सबसे पुरानी गुड्डा जैन की दुकान पर दीपावली के अवसर पर ऑनलाइन से भी सस्ती कीमत पर अच्छे कपड़े उपलब्ध। जॉकी व मोजो ब्रांड पर स्पेशल छूट। हमारे यहाँ सभी ब्रांड के कपड़े मिलते हैं, जिनमें एलएन सोनी, वेन हुसैन, जॉकी, यूएस पोलो, मोटी कार्लो, सियाराम, मोजो, कोट पैंट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न, ब्लेजर की स्पेशल वैरायटी, जोधपुरी सूट, जोधपुरी साफा आदि उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें जैन रेडीमेड स्टोर, हनुमान तिराहा, धौलपुर। राष्ट्रीय स्तर के वैष्णव जनमिलन समारोह 2022 का हुआ आयोजन। सेवा संघ मुंबई की धौलपुर इकाई में 30 अक्टूबर को गंगाबाई की बगीची धौलपुर में राष्ट्रीय स्तर के वैष्णव जनमिलन समारोह आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष PL वैरागी ने की। कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि पूर्ण वैराठी पीठाधीश्वर ग्वालियर राम सेवक दास रहे। मुख्य अतिथि बाबूलाल मेवरा, पूर्व राज्य मंत्री एवं विधायक मध्य प्रदेश, तथा कृष्ण कुमार बाबा, पूर्व राज्य मंत्री पंजाब रहे। सेवा संघ राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष महेश चंद्र वैष्णव, प्रदेश अध्यक्ष विद्या देवी वैष्णव, राष्ट्रीय उपाध्यक्षा गीताबेन वैष्णव, राष्ट्रीय संरक्षक विष्णु दत्त शर्मा, राष्ट्रीय महासचिव OP वैरागी, भुवनेश वैष्णव एवं सेवा संघ के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। इस भव्य समारोह को सामाजिक ढांचे को सुधारने एवं एकता व समरसता को बढ़ाने का संदेश देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। इस समारोह में देश भर राज्यों से, जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात व देश की राजधानी दिल्ली के समाज बंधुओं एवं वरिष्ठ जनों ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में समाज के प्रतिभाशाली छात्र एवं छात्राओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम की सफलता पर सेवा संघ धौलपुर की कोर टीम ने पूरे जिले के समाज बंधु एवं देश भर से आए सभी साथियों का हार्दिक आभार व्यक्त किया। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ धौलपुर की बैठक संपन्न। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ धौलपुर के पदाधिकारियों की बैठक महाराणा स्कूल धौलपुर में सभा अध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों को जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा ने दीपावली की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए बताया कि इस बार संगठन का प्रांतीय शैक्षिक अधिवेशन का आयोजन 25 व 26 नवंबर को बूंदी में किया जा रहा है। उन्होंने प्रांतीय अधिवेशन में अधिकाधिक शिक्षक साथियों के साथ शामिल होकर धौलपुर का प्रतिनिधित्व करने का आग्रह किया। बैठक में वक्ताओं ने अन्य शिक्षक कर्मचारियों के समान ही तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों से रोक हटाकर प्रतिबंधित एवं बाहरी जिलों में कार्यरत शिक्षकों सहित सभी तृतीय श्रेणी शिक्षक व प्रबोधक संवर्ग के जल्द स्थानांतरण शुरू करने, आयोजित होने वाली अध्यापक सीधी भर्ती के द्वितीय लेवल के पदों में की गई कटौती को निरस्त कर 6000 पद बढ़ाने, पिछले 2 सालों से रुकी हुई सभी कैडर्स के शिक्षक संवर्ग की पदोन्नतियां जल्द शुरू कर रिक्त पदों को भरने सहित विभिन्न मांगों के प्रस्ताव सरकार को भिजवाने का फैसला लिया गया। बैठक में चंद्रशेखर शर्मा, केदार सिंह बघेल, बनवारी पारसर, लोकेंद्र गर्ग, श्याम सिंह बघेल, फिरोज खान, रघुवर दयाल शर्मा, सुरेंद्र रावत ने स्थानीय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से अभी तक पिछले 4 महीनों से मिड डे मील योजना की पोषाहार लागत राशि एवं मिड डे मील वर्कर्स के बकाया मानदेय आवंटन नहीं करने पर कड़ा रोष व्यक्त किया। राजस्थान की सरकार लगातार विभिन्न शिक्षक कर्मचारियों के तबादले कर रही है,
लेकिन तृतीय श्रेणी शिक्षकों के साथ अनदेखी की जा रही है। इस सरकार के गठन में एक भी बार तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले नहीं किए गए हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि सबसे बड़े कैडर को राहत देते हुए एक पारदर्शी तबादला नीति लागू कर तृतीय श्रेणी शिक्षक संवर्ग के भी तबादले जल्द शुरू किए जाएं। इसके अलावा हम रीट के पदों में जो कमी की गई है 6,000 पदों में बढ़ोतरी की जाए, और हम सरकार को एक सुझाव देते हैं कि नई भर्ती से शिक्षकों को गृह संभाग एवं गृह जिले में पोस्टिंग दी जाए, साथ ही प्रारंभ के साथ माध्यमिक स्कूलों में भी उनको पोस्टिंग मिलेगी, इससे सरकार पर तबादलों का दबाव नहीं रहेगा। इसके अलावा हम जो ड्रेस का निःशुल्क ड्रेस का कपड़ा दिया जा रहा है उसके स्थान पर कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को सरकार सिली हुई ड्रेस मुहैया कराए। लोक अदालत के सफल क्रियान्वयन के लिए डोर स्टेप प्री काउंसलिंग शिविर आयोजित। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार दिनांक 12 नवंबर 2022 को संपूर्ण प्रदेश में चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा तालुका बाड़ी में राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल क्रियान्वयन के लिए डोर स्टेप प्री काउंसलिंग कराई जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 30/10/2022 को पंचायत समिति बाड़ी में प्री लिटिगेशन व न्यायालयों में लंबित चिन्हित प्रकरणों के लिए डोर स्टेप प्री काउंसलिंग शिविर का आयोजन सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश धौलपुर सुनीता मीणा की अध्यक्षता में किया गया। शिविर के दौरान सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुनीता मीणा, अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति ADJ बाड़ी नीरज कुमार शर्मा एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 3 बाड़ी अजय शर्मा द्वारा प्रकरणों में प्री काउंसलिंग की गई। शिविर के दौरान मौके पर ही 2 फौजदारी क्रॉस मामले सरकार बनाम सन्मुख एवं सरकार बनाम गुमान में पक्षकारों के मध्य न्यायिक अधिकारियों द्वारा प्री काउंसलिंग की गई। प्री काउंसलिंग में समझौता वार्ता सफल रही। मौके पर ही दोनों पक्षकारों ने अपने पुराने गिले शिकवे दूर करते हुए एक दूसरे को माला पहनाकर एवं गले मिलकर मनमुटाव दूर करते हुए लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपने प्रकरण में समझौता किया। शिविर में राजस्व न्यायालय के प्रकरणों का भी निस्तारण किया गया। शिविर के दौरान नायब तहसीलदार कानूनगो पटवारी गण, पंचायत प्रसार अधिकारी राजेंद्र रावत एवं ग्राम विकास अधिकारी गण मौजूद रहे। प्री काउंसलिंग शिविर में आने वाले पक्षकारों के लिए चिकित्सा विभाग के सहयोग से निशुल्क मेडिकल कैंप भी आयोजित किया गया, जिसमें सुगर एवं BP इत्यादि की निशुल्क जांच की गई तथा दवाइयां वितरित की। शिविर में डॉक्टर राजीव गोयल, मुरारीलाल नर्सिंग अधिकारी आदि ने उपस्थित होकर चिकित्सीय परामर्श दिया। रन फॉर यूनिटी मैराथन में एकता भाईचारे का दिया संदेश। बाड़ी प्रशासन द्वारा लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में रन फॉर यूनिटी मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें सभी को राष्ट्रीय एकता दिवस पर एकता भाईचारे का संदेश दिया गया। रन फॉर यूनिटी मैराथन को बाड़ी बाईपास स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल गेट से बाड़ी उप जिला कलेक्टर राधेश्याम मीणा द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिसका राष्ट्रीय राजमार्ग 11B पर स्थित सरमथ्रा स्टोन कंपनी पर समापन किया गया। इस मौके पर बाड़ी उप जिला कलेक्टर राधेश्याम मीणा के साथ CBEO दाऊदयाल शर्मा, सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रिंसिपल हरिओम सिंह सिकरवार, बाड़ी थाना अधिकारी महेंद्र सिंह चौधरी, समाज सेवी सुनील गर्ग, विष्णु महेरे, खानपुर सरपंच राजेश मीणा, RP सुरेश भारद्वाज, विश्व हिंदू परिषद मठ मंदिर प्रमुख अंजनी पारसर, रिटायर्ड प्लाटून कमांडर हाजी सरफुद्दीन खान सहित मुस्लिम समाज के अन्य लोग भी उपस्थित रहे। सरदार पटेल एवं इंदिरा गांधी का राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान, डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आज पूर्व गृह मंत्री लोह पुरुष सरदार पटेल की जयंती एवं भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कांग्रेस कार्यालय डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा के निवास पर किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता निवर्तमान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष
पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने की। मुख्य अतिथि धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा रहे। डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा ने कहा कि सरदार पटेल का राष्ट्र निर्माण में योगदान महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का काम किया। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉक्टर कुशवाहा ने कांग्रेस जनों से उनके आदर्श और मूल्यों को अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए कहा। जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि दोनों महान शख्सियतों का राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल भारत माता के सच्चे सपूत जननायक महानायक थे। उनका देश की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान रहा। जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता धनेश जैन ने अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि वे महान नेता थे। वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री रजनीकांता कुशवाहा, सेवा दल की अध्यक्षा स्मृति दीक्षित, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल महामंत्री बॉबी जगरिया, पातिराम कुशवाहा, पार्षद ब्रजराज सिंह, पार्षद किशन सिंह, पार्षद श्यामवीर सिंह, शिव सिंह कुशवाहा, दुर्गेश श्रीवास्तव, राजीव कुमार। कार्यक्रम के अंत में पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री वरिष्ठ कांग्रेस नेता दयाशंकर सक्सेना की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। धौलपुर जिले में पहली बार मोबाइल, लैपटॉप, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डी फ्रिज आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक छूट ऑफर उपलब्ध, वह भी आसान किस्तों पर। आधार कार्ड व पैन कार्ड लाएं और बिना ब्याज के कोई भी सामान घर ले जाएं। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, आईफोन आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर आकर्षक कैशबैक ऑफर, ईएमआई की सुविधा भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए, जल्दी आइए। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। स्लीपवेल शोरूम में आपका स्वागत है। हमारे स्लीप प्रोडक्ट्स की विस्तृत श्रृंखला का अनुभव करने के लिए एक विश्व स्तरीय वातावरण जो आपको व्यक्तिगत आराम और सुखद नींद का अनुभव कराता है। आज ही स्लीपवेल शोरूम पर आएं और स्लीपवेल मैटर्स खरीदें, साथ ही पाएं 21,000 रुपए तक के उपहार मुफ्त चुनने का मौका। जो चाहो चुनो ऑफर, नियम व शर्त लागू। पता के ट्रेडर्स, निहालगंज रोड, HDFC बैंक के सामने, कोठी, धौलपुर। रन फॉर यूनिटी के लिए लगाई दौड़, लोगों को किया जागरूक। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर सोमवार को देशवासियों और शहरवासियों को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। कस्बे के बयाना मोड़ से शुरू हुई यह दौड़ करीब 2 किलोमीटर की दूरी तक लगाई गई, जिसमें विभिन्न विभागों के कर्मचारी, अधिकारी और स्कूली बच्चे मौजूद रहे। उपखंड अधिकारी दीपक खटाना ने बताया कि रन फॉर यूनिटी में सभी ने दौड़ लगाई। कार्यक्रम का उद्देश्य दौड़ के प्रति जागरूक व सभी को एकता के सूत्र में पिरोने का था। दौड़ कार्यक्रम के दौरान कई अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। इसी प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती का आयोजन राजकीय महाविद्यालय बसेड़ी में किया गया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं के साथ साथ आचार्य गणों ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर शपथ ग्रहण की। इसके बाद विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। विचार गोष्ठी में मुख्य वक्ता कमांडेंट महेश परमार ने कहा कि लोह पुरुष आधुनिक भारत के जनक थे। सरदार पटेल ने सदैव एकता और अखंडता पर जोर दिया था। उन्हीं के सपनों का अखंड भारत आज विश्व पटल पर अपना परचम लहरा रहा है। इससे पूर्व गोष्ठी संचालक कार्यवाहक प्राचार्य प्रदीप कुमार शर्मा ने सरदार पटेल के जीवन पर प्रकाश डाला। संगोष्ठी में सहायक आचार्य डॉक्टर राजेंद्र ढाकर, डॉक्टर लक्ष्मीकांत शर्मा, डॉक्टर नवीन यादव, उज्मा तवस्तुम, करिश्मा सोलंकी, हेड कांस्टेबल राकेश कुमार, कांस्टेबल ललित कुमार आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। विप्र फाउंडेशन की टेस्ट सीरीज से मिली नौकरी, पहली तनख्वाह का 10% हिस्सा फाउंडेशन को किया दान। नवचयनित शिक्षक अमित गुर्जर, भानु शर्मा और अमित व्यास ने की विप्र फाउंडेशन के कार्यों की प्रशंसा।
विप्र फाउंडेशन धौलपुर द्वारा आयोजित की गई निशुल्क रीड टेस्ट सीरीज से तृतीय श्रेणी अध्यापक पद पर चयन होने पर अमित गुर्जर, अमित व्यास और भानु शर्मा ने अपनी पहली सैलरी का 10% हिस्सा विप्र फाउंडेशन को दान में दिया है। धौलपुर जिले के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कोलुआ में पदस्थापित अमित गुर्जर ने बताया कि उनकी सफलता में माता पिता के साथ साथ विप्र फाउंडेशन का अहम योगदान रहा। फाउंडेशन द्वारा चलाई गई निशुल्क टेस्ट सीरीज से अपनी कमियां पहचान कर तैयारी को और ज्यादा बेहतर करने को मौका मिला। विप्र फाउंडेशन के पदाधिकारियों से समय समय पर मार्गदर्शन मिलने से सकारात्मक ऊर्जा मिली तथा मोटिवेशन मिलता रहा, जिसकी बदौलत आज मेरे साथ साथ अनेक युवाओं का अध्यापक पद पर चयन हुआ है। भीलवाड़ा जिले में नवनियुक्त शिक्षक सैपो रोड निवासी अमित व्यास ने प्रथम सैलरी का 10% हिस्सा विप्र फाउंडेशन को दान करते हुए कहा कि मेरी सफलता में विप्र फाउंडेशन का बहुत बड़ा योगदान है। विप्र फाउंडेशन के निशुल्क रीड टेस्ट सीरीज और मार्गदर्शन से हम अपनी परीक्षा की तैयारी बेहतर कर सके। नवचयनित अध्यापक भानु शर्मा ने कहा कि हमें खुशी है कि हमारी पहली सैलरी का कुछ हिस्सा अच्छे कार्यों के लिए जा रहा है। विप्र फाउंडेशन संगठन गरीब बेरोजगार युवाओं की मदद करने में हमेशा अग्रणी रहा है। आज अमित व्यास जी रीट 2021 में सिलेक्टेड हुए, जो कि भीलवाड़ा पदस्थापित है। दीपावली छुट्टियों में इन्हें घर पे आए, इन्होंने अपनी स्वेच्छा से अपनी सैलरी का 10% अंशदान विप्र फाउंडेशन के लिए दिया, जो कि हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं। और इस तरह से हमें बहुत प्रसन्नता है, हर्ष है, और आगे भी अपन विद्यार्थियों हितों के लिए कार्य करते रहेंगे, जिससे विद्यार्थियों को अधिक से अधिक फायदा हो। धन्यवाद। मैं अमित व्यास, तृतीय श्रेणी अध्यापक, 2021 में सिलेक्शन। इसमें मेरे माता पिता गुरुजनों के साथ साथ विप्र फाउंडेशन का बेहद योगदान रहा है। उन्होंने निःशुल्क टेस्ट सीरीज के रूप में रीट परीक्षा को आयोजित करवाया और हमें उस हमारी जो कमियां थी उनको निकाल के सामने रखा और उस कमियों को दूर करते हुए मैंने ये उपलब्धि हासिल की। और इसी चलते मैं इस विप्र फाउंडेशन का बेहद आभार व्यक्त करता हूं और अपनी हर्ष से अपनी प्रसन्नता के साथ मैं अपनी सैलरी का 10% हिस्सा इनको देना चाहता हूं। और इसी वजह से अमित व्यास जैसे आगे भी शिक्षक भविष्य में आगे निकल के आए और ये इसी तरह आगे कार्यरत रहे, ये इसलिए मैं इस योगदान को आगे बढ़ाना चाहता हूं। अमित गुर्जर, शिक्षक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कोलुआ। मैं अपनी प्रथम सैलरी का कुछ अंशदान विप्र फाउंडेशन को विद्यार्थी हित के लिए समर्पित करता हूं और मैं आशा करता हूं विप्र फाउंडेशन विगत दिनों से जिस प्रकार अच्छे कार्य करता चला रहा है, उसी प्रकार भविष्य में भी विद्यार्थी हित में अच्छे काम करेगा। आवारा ऊंट ने बुजुर्ग के पैर को पकड़ उछाल कर फेंका। बाड़ी शहर के अलीगढ़ रोड पर अपने प्लॉट में उगाई सब्जी और पेड़ पौधों की रखवाली कर रहे एक बुजुर्ग ने जब देखा कि एक आवारा ऊंट उसकी सब्जियों को खा रहा है तो डंडा लेकर उसे भागने दौड़ा। बुजुर्गों का यह एक्शन ऊंट को पसंद नहीं आया और ऊंट ने हिंसक होकर बुजुर्ग के एक पैर को घुटने सहित अपने जबड़े में पकड़ लिया। इसके बाद ऊंट ने जबड़े में फंसे बुजुर्ग को ऊंचा उठाया और एक साइड में पटक दिया। घटना के बाद आसपास के लोगों ने जैसे तैसे हिंसक हुए ऊंट से बुजुर्ग की जान बचाई और ऊंट को मौके से भगाया। इसके बाद घायल बुजुर्ग को परिजन सामान्य अस्पताल लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद बुजुर्ग के घुटने में गंभीर चोटें होने के चलते जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार अलीगढ़ रोड निवासी 50 वर्षीय पीड़ित लक्ष्मण पुत्र भीकाराम शर्मा अपने घर के बाहर खाली प्लॉट में उगाई सब्जी और पेड़ पौधों की रखवाली कर रहे थे। इस दौरान एक आवारा ऊंट जाने कहां से आया और प्लॉट में आकर
छोटे पौधे और सब्जियों को खाने लगा। जब वह डंडा लेकर उसको भगाने आए तो ऊंट ने पलट वार करते हुए उनके बाएं पैर के घुटने को जबड़े में फंसा लिया और उसे उठाकर एक साइड में पटक दिया। घटना के दौरान आसपास के लोगों ने जैसे तैसे उसकी जान बचाई और अस्पताल पहुंचाया, जहां से चिकित्सकों ने घुटने में गंभीर चोट होने के चलते जिला अस्पताल रेफर कर दिया। मामला ऐसा था आपके मेरे घर पर पेड़ खड़े हैं, मेरी बारी ला रखी, आलू ला रखे, वहाँ पर कोई आवारा ऊँट आया था, उसको बढ़ा रहा था, बढ़ाते तो खा गया, उसने जान लेवा हमला किया था पूरा, बड़ी मुश्किल से प्राण बचे। बसेडंग थाना पुलिस ने एक अवैध हथियार सहित एक आरोपी किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले की बसेडंग थाना पुलिस ने गांव डहरा में एक अवैध देसी कट्टा 315 बोर और एक जिंदा कारतूस सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी मोहन सिंह ने बताया कि सोमवार को गांव डहरा से आरोपी शैलेंद्र गुर्जर पुत्र सुरेश उम्र 25 साल निवासी डहरा थाना बसेडांग जिला धौलपुर को एक अवैध देसी कट्टा 315 बोर एवं एक जिंदा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया है, जिसे अवैध हथियार के संबंध में पूछताछ की जा रही है। राजाखेड़ा थाना पुलिस ने इनामी रेत माफिया को किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा थाना पुलिस ने इनामी रेत माफिया को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि राजाखेड़ा थाना प्रभारी सोहन सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अवैध चंबल रेता के माफिया छीतरिया पुत्र विद्याराम राइटर तेली उम्र 47 साल निवासी समोना राजाखेड़ा को गिरफ्तार किया है, जिस पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय धौलपुर की ओर से 250 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। राज्य स्तरीय बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में धौलपुर के प्रशांत रहे द्वितीय। 30 अक्टूबर को जयपुर में आयोजित हुई राज्य स्तरीय बॉडी बिल्डिंग मिस्टर राजस्थान 2022 प्रतियोगिता में धौलपुर जिले के मनिया इलाके के मांगरोल गांव निवासी प्रेम स्वरूप उर्फ प्रशांत पचौरी ने सीनियर प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। उनके कोच प्रकाश चंद्र उर्फ जैकी व बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के सचिव गुरफान अहमद ने बताया कि 30 अक्टूबर को जयपुर में प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जहां प्रशांत पचौरी ने अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाया। प्रशांत पचौरी रेनॉल्ट ऋषभ कार इंडियन प्राइवेट लिमिटेड में कार्यरत है, जहां उनके कंपनी के सीईओ मिस्टर भूपेंद्र अरोरा, मैनेजर चंचल चौधरी, देवेंद्र शर्मा शास्त्र नगर, प्रिंस दीपू शर्मा मनिया व उनके पिताजी बनवारीलाल पचौरी ने रेनॉल्ट कार शोरूम धौलपुर पर स्वागत किया। सरदार पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी का हुआ आयोजन। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में बसई नवाब में रन फॉर यूनिटी का आयोजन करवाया गया। इस दिन को एकता दिवस के रूप में मनाया गया। रन फॉर यूनिटी के माध्यम से राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया गया। साथ ही आज इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर संकल्प की शपथ का आयोजन भी कराया गया। इस अवसर पर बसई नवाब पीईओ राजू खान, नतपुरा प्रधानाचार्य प्रकाश चंद्र गर्ग, विनोद त्यागी, रामवीर त्यागी, कुमार सेन, मनोज राम प्रसाद नागर तथा अन्य स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे। यूडी कॉलेज धौलपुर में मनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन। धौलपुर शहर के पंडित उमादत्त गर्ल्स पीजी कॉलेज धौलपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना की दोनों इकाइयों के तत्वाधान में एक दिवसीय शिविर के अंतर्गत सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर संतोषी लाल शर्मा ने छात्राओं को बताया कि भारत में प्रति वर्ष 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है।
राष्ट्रीय एकता दिवस का सही मायने में महत्व है हमारे देश की एकता अखंडता के लिए वास्तविक और अंतर्निहित ताकत के साथ संभावित खतरों से देश को बचाने के लिए हर एक नागरिक को एकजुट रहना होगा। छात्राओं के द्वारा लोगों को जाति, धर्म, संप्रदाय आदि को भूलकर एकजुटता के साथ रहने के लिए रैली के माध्यम से जागरूक किया गया। खबरों में फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। धन्यवाद। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।